हेलो एवरीवन, दिस साइड आदित्य। तो लॉकडाउन है, आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, तो सोचा कुछ ना क्यों ना कुछ 5 मिनट का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को तैयार करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सो एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में बेसिकली क्या होता है कि हमने देखा होगा कि वाटर जो होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मीन्स आइस, लिक्विड मीन्स वाटर, गैस मीन्स वाटर वेपर। तो जब वाटर आइस की फॉर्म में होता है ना, तो वहाँ पर जो H2O है वाटर, उसका फॉर्मूला होता है H2O, जहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, मींस वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, राइट। जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सेम वे हाइड्रोजन्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। बात कर रहे हैं आइस का, तो वहाँ पर एक ही वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं H2O, वहाँ तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो किसी एक वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का जो उस पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को जिसके हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ एक अट्रैक्शन जनरेट कर रहा है, काइंड ऑफ बॉन्ड बना रहा है, और उसी बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इस तरह से जब वाटर आइस के फॉर्म में होता है ना, तो वहाँ पर एक केज लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और उसी केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। एंड यू नो द फॉर्मूला, डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम होगा। तो इसलिए आइस, दो वो एक सॉलिड स्टेट में होता है, बट फिर भी उसका डेंसिटी कम होता है। नाउ अगर हम इस आइस को हीट करते हैं, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिस तरह से ये हीट हो रहा है, उसका जो अट्रैक्शन है, वो जो काइंड ऑफ बॉन्डिंग था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो टूट रहा होता है, और वो जो केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म था वो थोड़ा कंडेंस हो जाता है, मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज करके। नाउ टॉकिंग अबाउट जब हम उसको और फर्दर हीट करते हैं, तो जब वो 4 डिग्री के बाद और ज़्यादा हीट होने लगता है ना, तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो मॉलिक्यूल्स जो पास आए थे फिर से वो दूर जाने लगते हैं, और जब उसका मॉलिक्यूल्स दूर जाने लगता है तो उसका डेंसिटी फिर से डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट इज़ डिक्रीज इन डेंसिटी। तो एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है कि जब हम लोग 0 to 4 डिग्री हीट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि उसका डेंसिटी डिक्रीज करना चाहिए था, उसका डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन जब 4 डिग्री के फर्दर हम उसको हीट करते हैं, तो उसका डेंसिटी इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करने लगता है। सो होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू।